दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना डे 8 होने वाला है, यानी एक सप्ताह हम लोग पूरा कर चुके हैं मेरे भाई। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नर का सिद्धांत, यानी बर्नर की थ्योरी। मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, ये पेपर में 15 नंबर बना सकती है, मतलब अकेले नहीं आएगी। बर्नर की थ्योरी के साथ में 2-3 IUPAC नाम लिखने को भी आ जाएंगे, जो आपको अगली या उससे अगली वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो इस बात की गारंटी है बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, बर्नर की थ्योरी को समझने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, उसे समझ लो तो काम आसान रहेगा। जैसे भाई हमने यहां पे लिखा K4Fe(CN) का होल ऑफ 6 मेरे भाई, ठीक। इसे देख लो, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं बोलो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में अगर हम लोग कहें तो उपसह संयोजन यौगिक, जो आपने 12th में देखे हुए हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें जो बाहर लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन। ध्यान से सुनो भैया, अपना नोट कर लेना जहां कहीं भी नोट कर रहा हो। इसे क्या कहते हैं? सिंपल आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं CMA। CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। तो ये जो यहां लिखा हुआ है CMA, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसे कहते हैं भाई लिगैंड। क्या कहते हैं? पूरा लिगैंड क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो वीडियो आपको 3 बजे मिलेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि भैया लिगैंड क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, मोनोडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट क्या होता है, बाईडेंटेट क्या होता है, एम्बीडेंटेट क्या होता है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे कल। लेकिन फिलहाल क्या समझा आपने कि जो इस तरीके के कंपाउंड मेरे भाई होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जो बाहर लिखा हुआ उसे सिंपल आयन कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ उसे CMA कहते हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ उसे लिगैंड कहते हैं। ये आप इस टॉपिक को लिखने से पहले इस तरीके से लिख लेना, ताकि आपको पता रहे CMA क्या है, लिगैंड क्या है, सिंपल आयन क्या है। अब हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, बर्नर की थ्योरी पहले तो मोटा मोटा हम बता दे रहे है क्या। बर्नर ने कही भैया संयोजकताएं CMA की दो होंगी, एक कहलाएगी प्राथमिक यानी प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, एक कहलाएगी सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। एक संयोजकता किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोग सेटिस्फाई करेंगे, दूसरी संयोजकता कुछ और लोग सेटिस्फाई करेंगे। एक निश्चित आकृति होगी, जो आकृति को हम लोग फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत आसान है, समझो कैसे। पहला पॉइंट क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो, हमने इसलिए पहले आपको बताया CMA क्या होता है, यानी जो मुख्य धातु परमाणु है जिसके चारों तरफ चीजें घूम रही हैं, जिससे K जुड़ा था, जिससे CN जुड़ा था। और केवल यही नहीं, कोई और भी मेरे भाई इस तरीके का फॉर्मूला, तो उसमें जो बीच में लिखा हुआ है सेंट्रल है, जिससे बाकी सब जुड़े हुए। अभी से हम आपको आगे आकृति दिखाएंगे, लो दिखाई दे रहा है मेरे भाई। जैसे देखो, हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, कहाँ गया सर? देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब लिगेंड आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो मान लिया इसमें कौन होगा? इसमें बीचों बीच में होगा Fe। Fe का मतलब क्या है? आयरन। तो इस वजह से Fe सेंट्रल एटम हो गया, ठीक। तो जो सेंट्रल एटम है उसकी दो प्रकार की वैलेंसीज होती हैं, यानी संयोजकताएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की संयोजकताएं मेरे भाई होती हैं। पहली एक तो संयोजकता होती है प्राइमरी संयोजकता। कौन सी होती है? प्राइमरी, यानी प्राइमरी वैलेंसी, या इसी को कहते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी। ये क्या होती है? सुनो, ये CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, यानी सरल भाषा में कहें कि जो CMA है, सेंट्रल मैटर एटम है, उसकी संयोजकता कितनी है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी। ध्यान से समझना, यहां लिखा हुआ है K4Fe(CN) का होल ऑफ 6। सब लोग ध्यान से सुनना भैया, K के ऊपर एक प्लस होता है, ठीक। तो 4K के ऊपर 4 प्लस होंगे, और CN के ऊपर एक माइनस होता है, तो 6CN के ऊपर 6 माइनस होंगे भाई। तो जाहिर सी बात, सूत्र तब बनता है जब प्लस माइनस बराबर होते हैं। तो 4 प्लस है, 6 माइनस, मतलब इसके ऊपर 2 प्लस होंगे मेरे भाई। तो ये क्या है? ये इसकी मेरे भाई ऑक्सीकरण संख्या है, कि CMA की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस का 2 है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या बताती है? वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। इस तरीके से मान रख रख के निकाल के देखेंगे कि जो CMA है उसके ऊपर कितने प्लस बच रहे हैं, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी या नॉन आयोनाइजेबल दूसरी वैलेंसी कहलाती है। ये क्या होती है? ये CMA के द्वारा लिगैंड के कितने लिगैंड आके जुड़ रहे हैं, जैसे K4FeCN का होल ऑफ 6 6 जुड़े हुए हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। तो यही लिखा हुआ, बॉन्ड्स बनाने के लिए प्रदान किए गए वैकेंट ऑर्बिटल की संख्या होती है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। जैसे अगर हम कहें, ठीक है, एग्जांपल अगर आपको लें, तो यहां लिखा हुआ FeCO का होल ऑफ 5, तो कितने CO जुड़े हुए हैं? 5। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गया भाई। तो यही अपना पॉइंट नंबर 2 है, कि किसी कॉम्प्लेक्स में CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेट होता है, यानी जितने लोग जुड़े हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो डेफिनेट है, उसे आप
कैलकुलेट कर सकते हो। सीओ भैया एफ ई से 5 सीओ जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ ई कितना हो गया, 5 हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सीएमए की दोनों प्रकार की जो वैलेंसीज है पूर्ण रूप से संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड होती हैं, मतलब जितने लोग उन्हें चाहिए, दो चाहिए तो दो जुड़े होंगे, पांच चाहिए तो पांच जुड़े होंगे, दस चाहिए तो दस जुड़े, दस तो नहीं चाहिए होंगे लेकिन कुल मिला के 7, 6, 5, 4 जितने चाहिए वो लोग उनसे जुड़े हुए होंगे। प्राइमरी वैलेंसी निगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा माइनस वाली पूरे करेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। कभी कभी एक निगेटिव आयन जो है वो सीएमए की दोनों प्रकार की वैलेंसी को संतुष्ट कर देता है, यानी पॉजिटिव वाली को भी और निगेटिव वाली को भी मेरे भाई, ठीक। जैसे यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ K4FeCN का होल ऑफ 6। अब ध्यान से देखो, हम आपको बता चुके हैं कैसे पता करोगे, बताओ। एक सीएन के ऊपर एक माइनस तो 6 सीएन के ऊपर 6 माइनस, 4 के ऊपर 4 प्लस मेरे भाई, ठीक है। तो बताओ इसके ऊपर प्लस कितने आएंगे, 2 प्लस आएंगे। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, +2, और इससे जुड़े हुए कितने सीएन है, 6 सीएन जुड़े हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। यानी सरल भाषा में इसके ऊपर प्लस कितने हैं वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी दिखाएगा, और इससे डायरेक्ट जुड़े हुए लोग कितने हैं, तो 6 लोग जुड़े हैं तो 6 हो गया, ऊपर 5 जुड़े थे तो 5 हो गया, वो इसकी दिखाएगा मेरे भाई सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। उसके बाद आखिरी में अगर हम लोग बात एक और पॉइंट की, तो जो स्पेस है में लिगेंड सीएमए के चारों ओर एक डेफिनेट ज्योमेट्री, सीएमए का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, वो बीच में होगा, चारों तरफ से लिगेंड आके जुड़ जाएंगे और एक निश्चित आकृति बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और आखिरी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, नहीं पता तो शॉर्ट में बता देते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भैया फार्मूला जो है वो अलग अलग, फार्मूला जो है ओवरऑल एक ही होगा, देखने में अलग अलग लगेंगे। जैसे हम आपको बहुत शॉर्ट में समझाएं, हम हमेशा एक यही एग्जांपल देते ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। जैसे हम लिखते हैं CH3OCH3 और हम लिखते हैं C2H5OH, दोनों बिल्कुल अलग है। ये दारू है, एथिल अल्कोहल, आदमी पीता है, मौज लेता है, ये ईथर है, नहीं पी सकते हो। लेकिन चेक करोगे तो देखो, एक और एक दो कार्बन इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन इसमें भी हैं, 5 और 1 6 इसमें भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें, 1 ऑक्सीजन इसमें है। तो हैं दोनों सेम लेकिन अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी समावयवी हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, बर्नर की थ्योरी क्या है बताओ। बर्नर की थ्योरी ये है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है बताओ, उनके अंदर होता है मेरे भाई सीएमए। सीएमए की कितनी संयोजकताएं होती हैं, 2 संयोजकताएं होती हैं, एक होती है प्राइमरी संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमने आपको निकालनी सिखा दी कि कितने उसके ऊपर प्लस हैं, सेकेंडरी का मतलब कितने उससे लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये होती प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाली हमेशा निगेटिव के द्वारा ही संतुष्ट होगी, सेकेंडरी वाली निगेटिव से, पॉजिटिव से, न्यूट्रल से सबसे संतुष्ट हो सकती है। और उसके बाद अगर हम कहें तो जो लिगेंड है वो चारों तरफ से घेर लेंगे सीएमए को, एक निश्चित आकृति बनाएंगे और मेरे भाई ये जितने भी होंगे सारे के सारे आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये बर्नर की थ्योरी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये मान के चलो मेरे भाई बुरी से बुरी हालत में आपके 7.5 नंबर तो दिलाई देगी, और इसके साथ में आईयूपीएसी नाम भी लिखने को आते हैं, जो आपको कल तो हम लोग चर्चा करेंगे लिगेंड्स पे, जो अपना अगला डे हुआ डे 9, और परसों हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखे कैसे जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई टोटल 3 क्लास इसके ऊपर आएंगे और 3 के अंदर आप सीख जाओगे। जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हम उसी में सिखा देंगे, इसमें आईयूपीएसी नाम रखना सिखाएंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से आने वाले 3 क्लासेस के अंदर आप लिगेंड, आईयूपीएसी नाम लिखना, EAN और साथ में बर्नर की थ्योरी आज आपने सीख ली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें जरूर फॉलो करिएगा, और जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था सीएमए क्या है, सिंपल आयन क्या है, ये सारी चीजें इन्हें भी कायदे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियोज आपके बहुत काम के हैं। डेली 3 बजे हम आपको मुलाकात कर रहे हैं, जो लोग कोर्स में देख रहे हैं यहीं पर पीडीएफ नोट्स वगैरह सब अवेलेबल करा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज मिलेंगी। उसके अलावा जो लोग चैनल पर भी देख रहे हैं वो लोग भी इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि सारा सिलेक्टेड कॉन्टेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। बस दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, BD BSC अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।